तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले फिर से हमारे आई एम एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में। तो इससे पहले आप सभी ने देखा कि हारुटो के डैड और उसकी मॉम दोनों के दोनों शक करते हैं हारुटो के ऊपर, कहीं हारुटो एक डीमन तो नहीं है। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं हारुटो की बहन को, जो कहती है कि नहीं, मेरा भाई डीमन हो सकता। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि हारुटो अपने रूम में बैठ कर लेटा होता है, जहाँ पर हारुटो सोचता है कि आखिरकार आजकल मेरे डैड को ज़्यादा बिजी लग गए, आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। एंड ये सारी बात सोचते हारुटो सोचता है कि चलो ठीक ही है, कम से कम मुझे अब उनके साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी तलवार की। लेकिन तभी अचानक से हारुटो को बाहर से बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से हारुटो सोचता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। एंड इसके बाद हारुटो उठता है और बाहर जाकर देखता है, तो उसे देखने को मिलता है वहाँ पर बहुत सारी लाशें और काफ़ी सारे सैनिक घायल हुए होते हैं, जिसकी वजह से हारुटो सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर। एंड इसके बाद हारुटो नोटिस करता है कि उसके डैड एक जगह बैठे होते हैं, और इसके बाद हारुटो अपने डैड से पूछता है कि आखिरकार डैड यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर हारुटो डैड उसे बोलते हैं कि सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बात छुपाई थी, लेकिन मैं तुम्हें अब बता देता हूँ कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। हम लोग को खबर मिली थी कुछ चोरों ने हमारे पर अटैक करने की योजना बनाई है, और इसी वजह से हम लोग उन पर अटैक करने के लिए चले गए थे, लेकिन तभी अचानक से उन चोरों ने हमारे पीछे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग घायल हो गए थे। क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी भी चोर को कैद नहीं करूँगा, और इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, और बस मेरी इस फेक कसम की वजह से आज ये सब कुछ हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये सारी बातें हारुटो डैड बोल रहे थे। एंड तभी अचानक से हारुटो डैड बोलते हैं कि देखो बेटा, ये सीन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए यहाँ चले जाओ। हारुटो के डैड की बात सुनने के बाद फ्ले बोलती हैं कि आप बस इन छोटे मोटे गुंडों से हार गए, आप लोग को शर्म आना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हारुटो फ्ले से बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, जितना बोला जाए उतना बोला करो। हारुटो गुस्से में देखकर फ्ले काफ़ी डर जाती है और सोचती है कि पहली बार मैंने अपने मास्टर को इतने गुस्से में देखा है। एंड इसी वजह से फ्ले चुप हो जाती है। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि हारुटो अपने रूम में नहीं जाता, बल्कि वो सैनिक के पास जाता है और उनको देखते हुए अपने मैजिक को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो अपने बैरन मैजिक के थ्रू सभी सैनिक की चोटों को ठीक करने लगता है। एंड ऐसा ही होता है, सभी सैनिक की चोटें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है, और इसके साथ साथ हम सभी देखते हैं कि सैनिक जैसे ठीक होते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं, और दूसरे होते हैं हारुटो के डैड, जो ये सब देखकर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी देखते हैं फ्ले को जो कि हारुटो के रूम के सामने खड़ी होती है, और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं हारुटो को जो कि अपने रूम में बड़े आराम से कराटे मार होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शायद से उसके रूम के बाहर कोई खड़ा हुआ है। एंड इसके बाद हारुटो अपने दरवाजे को ओपन करता है, जहाँ वो देखता है फ्ले को जो कि चुपचाप खड़ी होती है, जिसे देखकर हारुटो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कुछ बोल क्यों रही हो। जिसके बाद हारुटो रियलाइज होता है कि उसने तो कहा था फ्ले से कि वो अपना मुंह बंद रखे। एंड ये बात याद करने के बाद हारुटो फ्ले सॉरी बोलता और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना फ्ले। जैसे फ्ले बोलते हैं कि मास्टर, मैं जानती हूँ कि आपको उससे मेरी बात बुरी लग गई होगी, इसलिए आपने मुझे डांटा था, इसलिए कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उस टाइम के लिए। फ्ले की बात सुनने के बाद हारुटो कहता है कि आखिरकार ये मुझसे क्यों सॉरी बोल रही है। एंड इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं हारुटो और फ्ले को जो कि छत पर खड़े होकर कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि हारुटो अपने मैजिक का यूज़ करके स्कैन करता है कि आखिरकार किन गुंडों ने हारुटो के डैड को अटैक किया था। खैर बहुत देर स्कैन करने के बाद हारुटो को कुछ गुंडे दिखाई देते हैं, जो कि लगते हैं कि शायद से हारुटो के डैड के ऊपर उन्होंने अटैक किया होगा, इसलिए हारुटो सोचता है कि शायद से मुझे लगता है कि ये वही जगह होगी जहाँ पर मेरे डैड के ऊपर अटैक किया गया होगा। ये सारी बात सोचने के बाद हारुटो फ्ले से बोलता है कि फ्ले चलो उस जगह पर, हम लोग को वहाँ पर जाकर उन लोगों से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। एंड ये बात बोलने के बाद फ्ले और हारुटो वहाँ से उड़ कर जाने लगते हैं, लेकिन दूसरे हम सभी देखते हैं कि शार्लेट फ्ले और हारुटो को देख लेती है उड़ते हुए, और ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड भी होती है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं उन गुंडों को जो कि वहाँ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, जिनमें से एक उनका लीडर कहता है कि हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं पार्टी करने में, आप लोग को नहीं लगता। ये सारी बातें वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्दी हारुटो के डैड को मार डालेंगे। हारुटो ये सारी बात सुन लेता है, और उसके बाद हारुटो कहता है कि अच्छा तुम मेरे डैड को मारोगे। हारुटो की बात सुनने के बाद वो जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी अपने शॉर्ट्स को निकाल लेते हैं,
और हारुतो का अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारुतो अपने बैरन मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से वो सभी के सभी फ्रीज हो जाते हैं। और फ्रीज होने के बाद वो गुंडे कहते हैं कि आखिरकार हम लोग हिल क्यों नहीं पा रहे, जिस पर हारुतो कहता है कि मैंने अपने बैरन मैजिक का यूज किया जिसकी वजह से तुम लोग हिल नहीं सकते। ये सुनने के बाद एक गुंडा बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम। ये बात बोलते समय वो गुंडा का भी गुस्सा होता है, लेकिन तभी अचानक समय से भी देखते हैं कि हारुतो गुस्सा आता है और वो अपने बैरन मैजिक का यूज करके उस गुंडे को पीछे धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे धक्के दीवार से चिपक जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हारुतो उन लोगों से बोलता है कि देखो मैं तुमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तुम लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर सही में नहीं दिया और गलत जवाब दिया तो कसम से मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इसलिए सोच समझकर आंसर देना हर एक क्वेश्चन का मेरा। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हारुतो उन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिसके बाद वो गुंडे उसको आंसर देते हैं, जहाँ पर हम लोग बतलता है कि ये गुंडे नेबरी एम्पायर के सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पर चोरों को डिस्गाइड करके यहाँ पर घुस चुके हैं और इनका गोल है इंटरन मुहिम कराना। उन लोगों की बात सुनने के बाद फ्ले बोलते हैं कि आखिरकार ये किंगडम में कैसे घुस गए, क्योंकि किंगडम के बाहर तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जिस पर एक चोर बोलता है कि हमारे किसी ने हेल्प की थी इस किंगडम में घुसने के लिए। उस चोर की बात सुनने के बाद हारुतो सोचता है क्या कोई मेरे डैड को मान जाता है, आखिरकार वो कौन है जो हमारे राज्य के अंदर गद्दारी कर रहा है। इसके बाद सभी देखते हैं कि उनमें से एक चोर कहता है कि हमें जितना कुछ पता था हमने आपको बता दिया, बस हम लोग इस मिशन को ओनली इसी कहने पर पूरा करने आए थे, इससे ज्यादा हम सभी कुछ नहीं पता, प्लीज हम लोग को छोड़ दो। उन लोग की बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि हारुतो फ्ले से बोलता है कि फ्ले इस जगह को जला के राख कर दो। हारुतो की बात सुनने के बाद वो गुंडे बोलते हैं कि हमने तो आपको सब कुछ बता देना, प्लीज हमें माफ कर दो, अब तो हमें जाने दो। ये सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि तुमने मेरे डैड को अटैक करने की कोशिश की है, इसलिए तुम सभी को तो मरना ही होगा। ये कहने के बाद हम सभी देखते हैं कि फ्ले अपनी पावर को यूज करती है और उस पूरे महल के अंदर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे गुंडे आग में जल जाते हैं। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि हारुतो और फ्ले उस जगह से बाहर निकल आते हैं। एंड इसके बाद फ्ले बोलते हैं कि मास्टर आपने बिल्कुल सही करा उन लोग को जान से मारकर, जिस पर हारुतो बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कि इंपीरियल सोल्जर और नेशनल के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं उन लोगों पर कोई भी दया नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये सारी बातें बोलते हुए फ्ले से बोलता है कि आज जो कुछ भी हो उसके बारे में मैं अपने डैड को एक लेटर सेंड करूंगा, लेकिन एक अनलोन लेटर सेंड करूंगा, ना कि खुद का लिखा हुआ। खैर एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी देखते हैं कि हारुतो के डैड के पास एक पर्सन आता है जो कि हारुतो का लिखा हुआ ही मैसेज सेंड करता है और कहता है कि हम लोगों ने उस किले के ऊपर अटैक कर दिया है और उन लोगों को जान से मार दिया है। उस पर्सन की बात सुनने के बाद हारुतो डैड बोलते हैं क्या सभी लोग को जान से मार दिया और पूरे किले को आग लगा दिया है, जिस वो पर्सन कहता है कि हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि जाओ जाकर पता लगाओ कि आखिरकार ये लेटर किसने सेंड किया हम लोग को। ये बात बोलने के बाद उस पर्सन को जानने के लिए बोलते हैं। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि हारुतो डैड सोचते हैं कि मुझे पता था कि वो चोर कोई मामूली चोर नहीं है, लेकिन मैं जानकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार इसके अंदर एम्पायर कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं सारेट को जो कि अपने डैड से पूछती है कि डैड आखिरकार उन गुंडों को किसने मारा था और आखिरकार उसके अंदर आग किसने लगाई थी, जिस पर हारुतो के डैड बोलते हैं कि सैलेट मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार वो इंसान कौन हो सकता है, लेकिन बट मुझे लगता है कि वो कोई हमारा अपना होगा जिसने हमारी हेल्प करी है और जिसके पास मुझसे भी कई दुगनी पावर है और वो फायर मैजिक का यूज कर सकता है। एंड इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि हारुतो के डैड इनडायरेक्टली फ्ले की बात करते हैं, क्योंकि फ्ले ही ऐसा मैजिक यूज करती है और वो जानते हैं कि ये सब कुछ फ्ले ने किया है। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि सैलेट अपने डैड की गोद से उठकर जान लगती है और कहते हैं कि डैड मुझे कुछ काम याद आ गया, अब मुझे यहाँ जाना होगा। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि सैलेट फ्ले के पास जाती है और उसे कहती है कि फ्ले मुझे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना है। ये सुनने के बाद फ्ले बोलते हैं कि हाँ पूछो सैलेट। इसके बाद सैलेट पूछते हैं कि क्या यहाँ पर दो दो हारुतो हैं, जिसे सुनने के बाद फ्ले बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर दो हारुतो हैं, जिस पर सैलेट कहती है कि मैं तुम लोग को देखा था जब तुम दोनों उड़कर कहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने तभी नोटिस किया था कि हारुतो अपने ही रूम में था और वो सो रहा था, और हाँ मैं जानती हूँ कि हारुतो के पास इतना मना नहीं है कि वो उड़ सके। ये सुनने के बाद फ्ले बोलती है कि सैलेट तुम अपने भाई को नहीं जानती हूँ, मास्टर बहुत ज़्यादा
ताकतवर है, वो इतने ज़्यादा ताकतवर है कि उनके आगे तो कोई भी टिक नहीं सकता, इवन मैं भी नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने बहुत नीचे हूँ। उनकी पावर मुझसे भी कई दुगनी है। तुम कह सकती हो कि एक इंसान के अंदर इतना माना और इतना पावर होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मेरे मास्टर के अंदर इतनी पावर है। खैर एनीवेज, इसके बाद फिर से सीन चौथा जहाँ पर हम सभी देखते हैं हाल्ट और फ्ले को, जहाँ पर फ्ले बताती है कि सारेट को पता चल चुका है कि कल रात हम लोग उड़कर कहीं गए थे। ये सुनने के बाद हॉल्टर बोलता है कि अरे यार मैंने इतनी बड़ी कैसी गलती कर दी। मुझे लगता है कि सारलेट ने मेरे रूम के अंदर जाकर मेरे लोगों को देख लिया होगा जब हम लोग बाहर चले गए होंगे। और इसी के साथ हमारी आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, पीछे मुझे कमेंट जो करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक गाइस एंड सही हो नारा।